अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले देखा कि कुव्वतनुमा किसे कहते हैं, कायदा असास या कुव्वतनुमाई अदद क्या है, और कुव्वतनुमाई अदद अगर दिए हों तो यक्सा कायदा वालों की ज़र्ब कैसे करते हैं। अब हम एक दूसरा उसूल देखते हैं कुव्वतनुमा का कि अगर कायदा यक्सा हो तो ऐसे कुव्वतनुमाई अदद की तकसीम कैसे होंगी। यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। पहली मिसाल, 6 की कुव्वत 4 तकसीम 6 की कुव्वत 2। अब इसको गौर से देखिए, एकदम आसान है। इस तरह से हमने ज़र्ब की सूरत में देखा था कि 6 की कुव्वत 4, यहाँ पर हम 6 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6 चार मरतबा लिखेंगे। तकसीम का नीचे तकसीम का अलामत कर देंगे, बटे में कर देंगे। 6 की कुव्वत 2, यानी इसको हम 6 ज़र्ब 6 करेंगे। अब हम 6 से 6 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 6 ज़र्ब 6। अब 6 ज़र्ब 6 यानी 6 की कितनी कुव्वत, दूसरी कुव्वत, 6 की दूसरी कुव्वत। अब आप इस पर गौर कीजिए कि 6 की कुव्वत 4 तकसीम 6 की कुव्वत 2 बराबर 6 की कुव्वत 2, ये कैसे आया। इतना अमल ना करते हुए अगर हम इसको आसानी से कर लें तो हम ये नतीजा, जैसे हमने ज़र्ब में अखस किए थे वैसे यहाँ एक नतीजा अखस कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर असास यकसा थे तो असास वैसे ही आ गया, बराबर 6 वैसे ही आ गया। 4 और 2 के बीच में अगर यहाँ तकसीम का अमल हुआ था तो ये कुव्वतनुमाई अदाद में, यह कुव्वतनुमा में तफरीक का अमल हुआ। 4 में से 2 गए होंगे तभी 2 बचे, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 तफरीक 2 बराबर 4 में से 2 गए 6 की कुव्वत 2, जो हमारा जवाब आ चुका। यह पहली मिसाल थी। अब दूसरी मिसाल देखेंगे हम इसी तरह से, -2 की कुव्वत 5 तकसीम -2 की कुव्वत 3। अब यहाँ -2 5 मरतबा लिखेंगे हम, -2 ज़र्ब -2 ज़र्ब -2 ज़र्ब -2 ज़र्ब -2 बटे या तकसीम -2 की कुव्वत 3, यानी -2 3 मरतबा -2 ज़र्ब -2। अब यहाँ पर 1 से 1 1 से 1, ये -2 से -2 कितने बचे, -2 2 मरतबा बचे। यहाँ लिखेंगे हम -2 की कुव्वत 2। यहाँ पर भी वही कायदा लागू हुआ, वही उसूल लागू हुआ कि -2 -2 के -2 5 में से 3 गए 5 तफरीक 3 बराबर 5 में से 3 गए 2 -2 की कुव्वत 2। तो समझ गए आप, इस तरह से आपको अगली मशक भी हल करनी है कि मुख्तसर तरीन सूरत में अगर हम इस तरह के अदद को लिखें, अदद भले ही बड़ा दिखता हो लेकिन वो मुख्तसर में उसको इस तरह से लिखते हैं। अब ऐसी इतनी ये तो समझने के लिए था, अगर इसको हम हल करते हैं डायरेक्ट तो आपको, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, तीसरी मिसाल, 7 की कुव्वत 6 तकसीम 7 की कुव्वत 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 के 7 लिखेंगे क्योंकि कायदा यकसा है, 6 और 3 की तफरीक करेंगे, फिर बराबर 7 6 में से 3 गए 3। यानी आपको इतना बड़ा अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अगला आपको जो मशक दी जाएंगी सबक में, उसमें आपको इस तरह से उसको मुख्तसर करना है। कुव्वतनुमाई अदाद की तकसीम में हमने ये नतीजा अख़ज़ किए कि अगर ए गैर सिफर कोई नातिक अदद है, गैर सिफर मतलब जो सिफर नहीं है, एम और एन मजबत सही अदाद हैं, और जहाँ पर एम बड़ा हो एन से, तो ऐसी सूरत में ए की कुव्वत एम तकसीम ए की कुव्वत एन बराबर ए की कुव्वत एम तफरीक एन, ये कुव्वतनुमा का हमारा दूसरा उसूल है जो यहाँ पर हमने सीखे।